झगड़ा हुआ, गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत और उसके बाद बिग बॉस के घर में वापसी भी हो गई। जी हाँ, यही है बिग बॉस का नया ड्रामा। दरअसल हमेशा चर्चा में रहने वाले रियलिटी शो बिग बॉस का झगड़ा इस बार थाने तक पहुंच गया। बिग बॉस के घर में झगड़े के चलते गिरफ्तार हुए अभिनेता अरमान कोहली को जमानत मिलने के खिलाफ एनसीपी महिला कार्यकर्ताओं ने बिग बॉस के घर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन भी किया। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरमान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। गौरतलब है कि मॉडल सोफिया हयात ने लोनावाला पुलिस स्टेशन में अरमान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करवाया था। अरमान पर गाली गलौज, मारपीट और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बिग बॉस अपने आप में एक बिग ड्रामा है, लेकिन अरमान कोहली की पहले एंट्री, अरमान की गिरफ्तारी, जमानत और फिर बिग बॉस के घर में री एंट्री, इस मामले ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट है? आखिर क्या इस ड्रामे के पीछे का सच है? आखिर क्यों होते हैं रियलिटी शो में ऐसे लड़ाई झगड़े और ड्रामे? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी और अभिनेता कमाल खान साहब हमारे साथ हैं। अहमदाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता रुझान खंबाटा हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आखिर ये पूरा मामला है क्या। बिग बॉस में आया महाट्विस्ट। बिग बॉस के घर से अचानक बेघर होना पड़ा अरमान को। अजी अरमान को लोनावला पुलिस ने गिरफ्तार जो कर लिया था, हालांकि उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन सोफिया की शिकायत पर अरमान को जाना पड़ा जेल। अरमान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बिग बॉस फिनाले वीक में आकर उन्हें ये सब देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि सोफिया ने अरमान के खिलाफ फिजिकल वायलेंस का केस दर्ज कराया है। दो हफ्ते पहले जब सोफिया बिग बॉस से बाहर हुई थी, तो सबसे पहले सोफिया ने सहारा समय पर अरमान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का खुलासा किया था। अरमान कोहली ने मुझे फेस के ऊपर मारा था स्टिक के साथ, ये एक कंप्लेंट है। और दूसरा है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। अरमान कोहली ने बहुत सारे बातें मेरे बारे में बोला कि मेरा प्लास्टिक सर्जरी है, कि मैं फ्रीक हूँ क्योंकि मेरा एंग्जाइटी है, और फिर उसने मुझे मारा। फिर हम डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर का रिपोर्ट बना रहे हैं, और हम रिपोर्ट बना रहे हैं कि असॉल्ट। सोफिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अरमान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लोनावला पुलिस ने अरमान के खिलाफ 5 धाराएं लगाई हैं। धारा नंबर 509, जिसके तहत शब्दों या हरकतों से किसी को प्रहार करना। धारा 504, जानबूझकर किसी को उकसाना। धारा 324, नुकसान पहुंचाने के मकसद से किसी खतरनाक चीज का इस्तेमाल कर हमला करना। धारा 294, महिला पर अश्लील तानाकसी या उसके साथ अश्लील बर्ताव करना। धारा 506, आपराधिक हरकतें करना। डंडा दबाया पूरा यूं करके, ये देख लो क्या, ये देख लो माँ के पूरा उसका। I'm sick of this shit, man, really. सोफिया की शिकायत दर्ज करने के बाद लोनावला पुलिस ने बिग बॉस उस हादसे के फुटेज भी मंगवाए थे, जिसे देखने के बाद लोनावला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हालांकि अरमान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके बिग बॉस के घर में वापस लौटने पर सवाल अब भी बना हुआ है। बिग बॉस के फिनाले वीक में पहुँचने के बाद काफी खुश थे अरमान, लेकिन अचानक आया ये ट्विस्ट। दरअसल सोफिया के जन्मदिन से एक दिन पहले टास्क के दौरान अरमान और सोफिया में काफी झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान अरमान ने सोफिया पर हाथ उठाया, लेकिन सोफिया का आरोप है कि वो फुटेज ऑन एयर नहीं किए गए और अरमान को सजा देने के बजाय उन्हें बचाया गया। सोफिया बिग बॉस और सलमान दोनों से नाराज हैं। सोफिया का आरोप है कि सलमान और बिग बॉस ने अरमान का फेवर किया है। या पब्लिक को उसको अच्छा लगता है, या बिग बॉस को अच्छा लगता है, या सलमान को, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने बिग बॉस को ये सवाल भी पूछा है कि खुशहाल ने एंडी को एक मर्द दूसरे मर्द को पुश किया, ऐसे उसको घर से निकाला। एक मर्द एक लड़की के ऊपर जो उससे छोटी है, उसने सोटी के साथ मारा, आपने कुछ नहीं किया।
What's going on? बिग बॉस सीजन 7 में शुरुआत से ही अरमान बिग बॉस में बिग विलन बने हुए हैं। घर में उनके सबसे झगड़े हो चुके हैं। अरमान पहले झगड़ा करके सारी हदें पार कर देते हैं और बाद में सरेआम माफी मांगकर सारी बातों को भूलने की गुजारिश भी करते हैं। काम्या को डिवोर्सी कहकर उन्होंने उनके पैर छुकर माफी मांगी। आप लोगों के लिए एक वर्ड है, वो एक पूरी जिंदगी का अंत था। मैं समझ गया, सुनिए, वो पूरी जिंदगी का अंत था। इस बात को खत्म करो, मुझे डिस्कस नहीं करना। मैंने आपको माफ किया। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी हो गया अब उसको हम रिपीट करके घुमा के मैं वापस तो नहीं ला सकता। मैं आपको बोलता हूँ, आपको हक है मुझे खींच के लपड़ मारे, मैं फिर भी सर झुका के खड़ा रहूंगा और आपसे हमेशा दिल से माफी ही मांगूंगा। उसके बाद एली के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ा है अरमान ने। सोफिया के साथ भी कुछ इसी तरह झगड़ा किया अरमान ने और उसके बाद माफी भी मांगी, लेकिन इस बार उन्हें सोफिया माफ नहीं कर पाई और अपने बर्ताव की अब सजा मिल रही है अरमान को। संजय पिलनकर के साथ नीतू सिंह, समय, मुंबई। तो बिग बॉस के घर के अंदर देर रात ये जो ड्रामा हुआ है, मामला पुलिस तक पहुंच गया है। कुछ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, बेलेबल थी इसलिए जमानत मिल गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि अरमान कोहली वापस बिग बॉस के घर के अंदर पहुंच भी गए हैं। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को, क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीना जी। टीना जी, कैसे देखेंगे आप, मामला बहुत संजीदा है, एक महिला ने आरोप लगाए, गिरफ्तारी हुई, जमानत मिली और फिर बिग बॉस के घर में री एंट्री भी हो गई। देखिए, मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि अगर ये सिर्फ स्क्रिप्टेड है और प्लांट है और बिल्कुल टीआरपी गेन करने के लिए, और बिग बॉस जैसे हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है उतना ही है, तो भी इसका दूसरा पहलू हम नकार नहीं सकते, जिसमें एक महिला को मारा गया है, उसने कंप्लेंट की है, एफआईआर की है और जमानत लेनी पड़ी। और इसका तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो कि महिलाओं का सम्मान इस देश में करना चाहिए, और बहुत समय से हम एंटी रेप लॉस के लिए लड़ रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के काफी सारे कानूनों के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पे एक टीवी चैनल ऐसा शो दिखा रहा है जिसमें महिला के साथ ही मारपिटाई होती है और आप देखेंगे तो एफआईआर होती है और जमानत भी मिल जाती है। मतलब जमानत कैसे मिलती है उस धारा में मुझे समझ में नहीं आता। जितनी धाराएं इसमें, उसमें नॉन बेलेबल है और ये कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए इसमें, तो उसमें जमानत कैसे मिलती है वो मुझे समझ में नहीं आया। तीसरा कि उसमें री एंट्री कैसे हो जाती है, तो इसका मतलब सब कुछ आपने एक तो महिला का आप अपमान कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा, जो कि हमेशा से रहा है। डॉली बिंद्रा जी जब थी तब भी हुआ था, पूजा मिश्रा, पूजा बेदी, इन दोनों का बहुत बड़ा पंगा चला था। तो मुझे लगता है महिला को आप कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविजन पर टीआरपी गेन करने का पूरा मसला है। और कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो खुद भी बिग बॉस के प्रतियोगी रह चुके हैं, बिग बॉस के घर के अंदर रह चुके हैं। कमाल साहब, इस पूरे मामले को जब आप देख रहे हैं तो आपको भी क्या लगता है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया गया, क्योंकि इस बार मामला बहुत संजीदा था, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, एफआईआर दर्ज हो गई? सोफिया जो है वो एक स्ट्रगलर है और स्ट्रगलर का कोई ईमान धर्म नहीं है, उसको पब्लिसिटी चाहिए किसी भी कीमत पे। तो जाहिर सी बात है, जब वो बाहर निकली तो पब्लिसिटी के लिए उसके पास क्या रास्ता बचा था, यही था कि वो पुलिस में जाए, ड्रामा करे और पब्लिसिटी बटोरे। वो उसने किया, ये सबको पता था कि घर में तो ये पिछले 6 सीजन से होता आया है, तो ये पहली दफा नहीं हुआ है। तो जो वहां घर में जाता है उसको पता है कि घर में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है सबको पता था कि कोई अरमान फांसी पे तो नहीं चढ़ने वाला है, ना उसने कोई ऐसी बात की थी जिससे फांसी पे उसे चढ़ाया जाए और जिससे जमानत ना मिले। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, और इवन मुझे लगता है बिग बॉस वालों ने भी सोफिया को जरूर कहा होगा कि वो ऐसा करे ताकि बिग बॉस को भी पब्लिसिटी मिले। सुबह से आप देखें, सुबह से सब चैनल पे बिग बॉस ही चल रहा है, बिल्कुल। और आज की जो पब्लिक जो टीआरपी होगी वो हाईएस्ट होगी 100%, तो बिग बॉस को बहुत बड़ा फायदा हुआ इसका। रुझान, क्या आपको भी लगता है कि एक रियलिटी शो को टीआरपी ज्यादा मिले इसके लिए एक तरह से, जैसे कमाल कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिग बॉस के जो आयोजक हैं उन्होंने भी सोफिया को कहा होगा कि वो ऐसा करे, क्या इस लेवल तक भी जाया जा सकता है रियलिटी शो को कामयाब बनाने के लिए कि एक महिला के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाए और फिर मामले को यहां तक पहुंचाया जाए?
सी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बिग बॉस. ये मैंने पहले एक या दो उनके दिखे थे सीजन्स, बाद में मैंने बंद कर दिया था देखना, क्योंकि वही पता चल जाता था कि स्क्रिप्टेड है. और यू नो हाँ, कुछ चीजें वो लोग उत्तेजन करते, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, सामने वाले को उत्तेजित करते हैं और फिर पीछे से भले हमको बोलते हैं कि वो लोग एक में बंद कमरे में रखते हैं, ना कोई उनसे बात नहीं करता है बाहर वाला, लेकिन अंदर अंदर सब बहुत कुछ हो रहा है. मैंने वो सीजन में देखा भी है. सो अल्टीमेटली ये तमाशा था. आई हैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड स्टॉप्ड वॉचिंग बिग बॉस सिंस लॉन्ग. बट ये आज जो हुआ तो मैंने बिकॉज इतना सब वो पुलिस वाला चक्कर हुआ, एफआईआर वाला चक्कर हुआ और लेडी वाला चक्कर था, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया. और आई वाज इनफैक्ट हैप्पी कि जो भी है अगर एफआईआर हुई, एक इट्स ओके एक्सेप्टेड कि पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन आई एम हैप्पी कि एक एफआईआर हुई है तो एटलीस्ट हमारे लोग जागरूकता हुए हैं कि ऐसा करेंगे तो उनके सामने भी एफआईआर होगी. हाँ, ये डिससेटिस्फाइंग है कि वो बेल पे, जब वो मैडम बोल रही है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज भी थे लेकिन वो बेल पे छूट गए तो ये एक गलत बात हुई. बट लेट अस सी, ये तो तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख जैसा हो रहा है. और इसका एक और पहलू मैं बताना चाहूंगी कि देखिए बिग बॉस में जिस तरीके से किया जा रहा है, महिला का इतना डिग्रेडिंग पोर्ट्रेयल जो किया जा रहा है टेलीविजन पे, और वो भी एक एक आप लाइव शो पे कर रहे हैं जिसको आप यू नो बिल्कुल आप बताते हैं कि हम काट छाट के नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं. पर इसमें खुद ही आप देख सकते हैं कि सोफिया ने खुद बोला कि कुछ सारे पोर्शंस जो हैं जो उसके और अरमान के फाइट के थे वो नहीं दिखाए गए. इसका मतलब ये बिल्कुल प्लान्ड और टीआरपी बेस्ड है. और प्लस लोग देख रहे हैं कितना गलत. मैं ये नहीं कहती कि समय के साथ कल्चर नहीं चेंज होता, कल्चर बिल्कुल चेंज होता है, नई चीजें हमें देखनी चाहिए, अच्छी बुरी दोनों तरह की चीजें जो है टेलीविजन हमें दिखाता है. पर इस तरह का घटियापन किसी शो को चलाने के लिए और सिर्फ एक 100 करोड़ के क्लब में जाने के लिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से फिल्में चल रही हैं तो फिर हमारा कल्चर तो कहीं बचा ही नहीं है. कमाल, ये हम सब सुनते आए हैं कि बिग बॉस के अंदर बहुत सी फाइट जो हम देखते हैं, लड़ाई झगड़े देखते हैं, वो स्क्रिप्टेड होती है, पहले ही उसकी रूपरेखा तय की जा चुकी होती है. और क्या आप जब गए थे प्रतियोगी बनकर अंदर तो आपको भी इस तरह की बातें बताई गई थी कि अंदर जितना चीखोगे चिल्लाओगे टीआरपी शो की उतनी ज्यादा रहेगी? इसी वजह से हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं. कई बार हमें भी लगता है कि छोटी सी बात है, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है बिग बॉस के घर के अंदर? तो क्या ये सब कुछ सिखाया जाता है पहले से, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है? देखिए, पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं कि औरत को बहुत डिग्रेडिंग किया जा रहा है बिग बॉस में, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है. औरतें जो है वहां पे वो खुद को डिग्रेड कर रही हैं. अगर सोफिया अपने कपड़े उतार के ऐसी ऐसी चीजें दिखाती हैं जो नहीं दिखानी चाहिए तो क्या वो सही था? अगर गौहर और तनिषा लड़के के साथ बाथरूम में एक एक घंटा बंद रहती है तो क्या वो सही कर रही है? अपने आप को डिग्रेड कमाल वहां जो लड़कियां हैं वो अपने आप को डिग्रेड खुद कर रही है. कमाल मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप प्लीज मैं लेट मी कंप्लीट. मैं ये कहना चाहती हूँ कि चैनल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोग्राम की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. महाराष्ट्र का जो पुलिसिंग एक्ट है वो भी कहता है कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो उसको बैन करना चाहिए, इसका लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि उनको डिग्रेड करते हुए आप दिखा रहे हैं, आप ये चैनल दिखा रहा है. नहीं, आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई चैनल को वो चीज दिखानी नहीं चाहिए. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब लड़कियां वहां हैं तो उनको पता होना चाहिए कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और जो वो कर रही हैं वो सही नहीं है. आप क्लिपिंग देख लीजिए, बिग बॉस 3 में जब मैं था एक प्ले था और उस प्ले के अंदर मुझे शर्लिन चोपड़ा को हक करना था. और जब मुझे उन्होंने कहा कि आपको हक करना पड़ेगा, मैंने कहा कि मैं लड़की को छूंगा नहीं, मैं दूर दूर से जो मुझे करना है मैं कर सकता हूं, बट मैं लड़की को हक नहीं करूंगा. यानी कि स्क्रिप्टेड था वो सब कुछ, लिमिट पता होना चाहिए कि आपकी डिग्रेड कब हो रहे हो. कमाल, मैं यही कहना चाह रही हूँ, यही पूछना चाह रही कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि शर्लिन सही है, ये मैं फिर पर एक बात अंजू हमें नहीं भूलनी चाहिए यहाँ पर कि जितने शोज हैं महिलाओं की भाषा, कह रहा हूँ कि वो एक प्ले था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक प्ले था. लेकिन कमाल, हम लोग बिग बॉस के बारे में बहुत स्क्रिप्ट कहीं नहीं है. कमाल, ये शो जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, 7th सीजन है इसका, और पहले इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठे थे कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो घरों में नहीं दिखाई जा सकती, आम दर्शक तक नहीं पहुंचाई जा सकती. 11 बजे इसका टाइम किया गया था, अब इसका टाइम फिर से 9 कर दिया गया, कहा गया कि उन नियम कायदों को फॉलो किया जा रहा है. तो हम ये मानकर चले कि इस बार जो बिग बॉस है जितनी कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही है, जितना इस बार वहां धमाल देखने को मिल रहा है, उससे माने कि नियम कायदों को फिर से कहीं ताक पर रख दिया गया आयोजकों की तरफ से? देखिए, प्रोड्यूसर्स ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का शो है और उनको वो पैसे कमाने हैं. कोई भी आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो कमाने के लिए करता है, गंवाने के लिए नहीं करता. तो कलर्स,
और प्रोड्यूसर जो भी कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। रहा टाइमिंग का बात, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए कि किस शो को किस वक्त दिखाया जाना चाहिए। अगर उन्होंने ये टाइम अलॉट किया है तो ये मिस्टेक मिनिस्ट्री की है, प्राइम टाइम है, की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये प्राइम टाइम है। एक एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बोलना चाहूंगी, देखिए सिनेमा मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ने क्यों ऐसी मिस्टेक की है। ये तो मिनिस्टर की गलती है। सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो है वो कहता है कि टेलीविजन पे आप किसिंग सीन्स भी नहीं दिखाएंगे, पर आज जितने आइटम नंबर्स हैं, जबकि उसको लेकर हम कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, मेरे काफी सारे केसेस आप देखिए कि कोर्ट में है, फिल्मों को लेकर मैं लड़ाई कर रही हूँ कि महिला का डिनिग्रेटिंग डेरोगेटरी इमेज क्यों दिखाते हैं, ड्यूअल मीनिंग डायलॉग्स क्यों है, क्यों ब्रांड बहुत सी ले रहे हैं, बहुत सी ऐसी मार्लो लॉरा मेरी ले लो रोज, मतलब ये इस टाइप के औरतों के नाम रखे हुए हैं, तो कितना घटिया आपने औरतों को बना दिए। कॉन्डम के एड में देखे कमाल तो महिला है, डीओ के एड में देखे तो महिला है, और एक तरफ आप एंटी रेप लॉस बना रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोहरापन है यहाँ पर, देखिए दोहरापन कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या बिग बॉस के आयोजकों ने बिग बॉस को कामयाब बनाने के लिए इस बार महिला का इस्तेमाल किया, महिलाएं खुद डिग्रेड हो रही है ऐसे ऐसे रियलिटी शोज में जाकर, या फिर उनका इस्तेमाल हो रहा है। चर्चा जारी है, खास मेहमान लगातार बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।